जिला कोडवा प्रखंड डोमचांच के अंतर्गत रेफरल अस्पताल डोमचांच में शौचालय की स्थिति बहुत खराब है। टूटा फूटा व बंद होने के कारण कई पंचायतों से मरीजों इलाज कराने के लिए आते हैं, जिससे शौचालय बंद रहने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं विंती विश्वकर्मा और ये है मेरे समुदाय के लोग। यहाँ शौचालय का बहुत दिक्कत है। मेरा बाथरूम का पेन भी वो भी टूटा फूटा हुआ जैसा है, छत भी गिरा हुआ है, वहाँ से पूरा एकदम छत कब गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। बहुत दीवाल वाल सब गिरा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है। पानी भी अच्छा से मेरे नहीं जा पाता, पानी है नल है लेकिन एकदम बहुत दिक्कत है, एकदम सारा बंद ही है समझिए। वो मुश्किल से आदमी जाता है, जाने लायक कोई भी यहाँ बाथरूम है नहीं, एक भी नहीं है। जैसे रात में ही अगर कोई डिलीवरी केस ऐसा रुका हुआ है, आदमी लोग तो रुकता ही है। यहाँ स्टाफ के लिए तो व्यवस्था ही नहीं है, वो तो आती है तो गांव देहात से आती है, तो वो लोग को तो आदत है कि बाहर चल जाती है। यहाँ स्टाफ को भी तो प्रॉब्लम है सिस्टर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बाथरूम अच्छा से बन जाए, पूरा नीचे का जमीन फर्श है वो भी अच्छा से बन जाए कि मेरा मरीज को भी परेशानी नहीं होवे, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं उसमें परेशानी नहीं होवे। इस वीडियो देखने वाले आप तमाम दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूं कि जिला कोडरमा के सिविल सर्जन का नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएँ, ताकि जल्द से जल्द डोमचांच रेफरल में शौचालय का जो समस्या है उस पर टूटा फूटा हुआ मरम्मत हो, ताकि यहाँ पे आए ग्रामीणों को समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं विंती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।